नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात श्वेता के साथ और आज हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन पर। आधुनिकीकरण कितना बदल गया है हमारा देश, क्या हमारा यूथ आज भी अपने उस कल्चर पर, पुराने कल्चर पर टिका हुआ है या वो आगे निकल चुका है, कितना परिवर्तन आया है हमारे इस आधुनिकीकरण की वजह से, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? हम सब जानना चाहेंगे। इस पर हम बात करेंगे मिली शर्मा जी से। मैम, आप क्या राय रखती है मॉडर्नाइजेशन को लेकर, आपको क्या लगता है कि ये आधुनिकीकरण क्या है, क्या मायने हैं इसके? बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं इसके, बहुत सारे डिफरेंट मतलब हर एक के लिए हो सकता है। मेरे लिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब है एजुकेशनल एक्सेस विच शुड बी देयर फॉर ऑल द पीपल, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप। जब मैं मॉडर्नाइजेशन की बात करती हूँ तो मैं चाहूँगी कि हर कोई बच्चा जो है उसको एजुकेशन मिले, ठीक है, एक ये चीज़। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द पीपल जहाँ हम देखते हैं वो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि हम वेस्टर्न वैल्यूज़ को अपने अंदर ला रहे हैं। ओके, वो किसी एक्सटेंट तक ये बात सही है और एक्चुअली लोग यही समझते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि हम सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज़ को लेकर आ रहे हैं। आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट, ठीक है। यदि आप वेस्टर्न कल्चर का एक पार्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दूसरा पार्ट भी एक्सेप्ट करिए, द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव पार्ट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मॉडर्न आधुनिकीकरण है ये काफ़ी हद तक हमारे जो यूथ है उसको क्या हमारी अपनी पुरानी परंपराएं, जो हमारी जड़ें हैं उससे दूर ले आया है या हम पूरी तरह से ढल चुके हैं या काफ़ी कुछ बाकी है अभी हमारे यूथ में, आपको क्या लगता है? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। काफ़ी सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैं देखती हूँ, स्टूडेंट या यूथ कह लीजिए, आप यूथ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने एक नेगेटिव व्यू वेस्टर्न मीडिया का, वेस्टर्न वैल्यूज का अपनाया है। वो आउटर वे में तो वो बिल्कुल वेस्टर्नाइज हो गए हैं, वो जीन्स पहन रहे हैं, स्कर्ट्स पहन रहे हैं, बट उनका माइंडसेट जो है वो इतना डेवलप्ड नहीं है। वो कहीं ना कहीं अभी भी सोचते हैं कि हाँ, अब मैं ये काम करूँ या ना करूँ, यू नो, अपने लिए डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। ओके, कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत कम है और यदि डिसीजन ले भी लिया अगेन वो प्रेशर में आते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज पूरा चेंज ओवर या मेक ओवर नहीं हुआ है फ्रॉम इंडियन वैल्यूज टू वेस्टर्न वैल्यूज। तो आप इसको मानती हैं कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, ना ही हम मॉडर्न हुए हैं, ना ही हम बहुत आगे गए हैं, ना ही बहुत पीछे हैं, हम बहुत सेंटर मिडिल में खड़े हैं। हाँ, हम बिल्कुल मिडिल में खड़े हैं एंड द प्रॉब्लम ये है कि हम ना पूरी तरह वेस्टर्नाइज हो पाए हैं, ना ही हमने पूरी तरह अपने इंडियन वैल्यूज को अपनाया है, विच इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, या तो आप सब कुछ छोड़ के, अपने इंडियन वैल्यूज छोड़ के वेस्टर्नाइज हो जाइए या आप बिल्कुल इंडियनाइज हो जाइए। द प्रॉब्लम विद द यूथ इज इट हैज नॉट बीन एबल टू डिसाइड कि उसको करना क्या है। और एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि ये आज़ादी, ये हम इससे काफ़ी अलग है, बट मैं जानना चाहूँगी कि जो महिलाओं की आज़ादी है, जो लड़कियों की आज़ादी, जो फ्रीडम हमें मिली है, क्या ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही है या एक हमारे कल्चर में पहले से ही था कि औरतों को उस तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए? क्या ये जो फ्रीडम आई है, ये मॉडर्नाइजेशन, जो वेस्टर्नाइजेशन जो आया है हमारे देश में, उसी का असर है? सी, ऐसा तो नहीं था कि बिफोर वेस्टर्नाइजेशन या बिफोर मॉडर्नाइजेशन, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ती नहीं थी या बाहर नहीं जाती थी, ऐसा तो नहीं था। दिस सो मेनी इंस्टेंसेज अपने घरों में हम देखें कि हमारी मदर्स भी कितनी वेल एजुकेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी मदर्स एजुकेटेड नहीं हैं। सो आई डोंट बिलीव कि वेस्टर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन से ही गर्ल्स को फ्रीडम मिली है, ठीक है, इट्स नॉट दैट। हाँ, गर्ल्स को थोड़ा सा और ज़्यादा मिल गई है, यू नो पहले कहा जाता था कि अंधेरा जब तक हो जाएगा तुम घर आ जाना, ठीक है, अब मे बी थोड़ा सा आपकी डेडलाइन और बढ़ गई है कि 7 बजे तक आ जाना, यू नो, इट्स लाइक दैट। लेकिन वो भी मेरे को काफ़ी लगता है कि पेरेंट्स प्रेशर में कर रहे हैं, दे आर गिवन इन टू देयर डॉटर्स विशेज़ कि हाँ, वो बाहर जाना चाहती है, चलो ठीक है, जाने दिया। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती कि शुरू में, मतलब बिफोर वेस्टर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन, हमारे यहाँ गर्ल्स को फ्रीडम नहीं थी, थी फ्रीडम बट एक रिस्ट्रिक्टेड वे में थी। एजुकेशन को यदि हम वेस्टर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन मानते हैं तो तब तो थी। तो आप मानती हैं कि हम वाकई पुराने समय से बहुत आगे निकल चुके हैं, काफ़ी कुछ बदल चुका है आपके ज़माने में? बदल चुका है। 7 ईयर्स 8 ईयर्स बैक जब मैं स्टूडेंट थी तब चीज़ें कुछ और थी, अब चीज़ें कुछ और हैं। आप आज़ाद महसूस करती हैं पहले की, ये आपको आपकी आज़ाद में पहले भी महसूस करती नहीं थी, अब ऐसा नहीं है कि मैं आज़ाद नहीं महसूस करती, बट ये मॉडर्नाइजेशन जो है, ये आधुनिकीकरण ने आप असर किया है कहीं ना कहीं आप सब पर, हम सब पर। सी, दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, डिपेंड करता है आप किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट जनरलाइज वे में अगर पूछें तो आपको लगता है कि हाँ, काफी कुछ चेंज हुआ है? आप तो चेंज हुआ होगा, जैसे पीपल वर टेलिंग मी कि पहले गांव में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए जाते थे या वैलेंटाइंस डे का मतलब लोगों को नहीं पता था, बट नाउ यू नो इवन विलेजेस में ये सब चीज़ें शुरू हो गई है। सो आई थिंक मे बी दैट इज़ आई डोंट नो पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंड करता है आपके माइंड सेट पर, लेकिन हाँ, चीज़ें तो बदली हैं।
और लोगों का कहना है कि आजकल जो क्राइम रेट है बढ़ रहा है दिन पर दिन, कुछ ना कुछ ये हत्या बलात्कार बहुत ऐसी सी क्राइम रेट हमारा दिन पर दिन बढ़ रहा है, वो लोगों का माइंडसेट कुछ चेंज हो गया है, हमारा यूथ जो है इसमें ज़्यादा इंक्लाइंड है ऐसे क्राइम में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मॉडर्नाइजेशन, वो मॉडर्न कल्चर आ रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। क्या आपको लगता है कि पहले इतना क्राइम नहीं था और अब बढ़ गया है बिकॉज ये मॉडर्नाइजेशन वाला वर्ड है, ये 21st सेंचुरी है, इस वजह से? सी अगेन, ये आपकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है, ये आपकी फैमिली वैल्यूज पर डिपेंड करता है। सो यू कांट ब्लेम वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन फॉर दिस एंटायरली। यू कांट से कि गर्ल्स आर वेयरिंग दीज ड्रेसेस सो इट इज हैपनिंग, नो यू कांट ब्लेम दैट। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल एंड फैमिली वैल्यूज कि आपको अपनी फैमिली से क्या वैल्यूज मिलते हैं, यू नो। तो आपको लगता है कि ये जो आधुनिकीकरण है किसी हद तक सही है, या इसको हमें और आगे जाना चाहिए, या जहाँ पे भी हैं सही हैं बस हमें हमारी पुरानी परंपराओं से जुड़े रहकर आगे बढ़ना चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं? श्वेता सी, व्हाट आई बिलीव इज़ कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों चीज़ों को इम्बाइब करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम नेगेटिव वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्बाइब कर रहे हैं, ओके, एज पीपल। द थिंग इज़ वी शुड रिमेन इन टच, हमें अपनी जो परंपरा है उसके साथ टच में रहना चाहिए, लेकिन साथ में वेस्टर्नाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इम्बाइब करना चाहिए। जैसे एक चीज़ आपने कही कि एजुकेशन, और मैंने भी कहा एजुकेशन, विमेन एजुकेशन पहले भी थी, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन होने से थोड़ा सा हम लोग कॉन्शियस हो गए कि हाँ, वी ऑल्सो नीड टू वर्क हार्ड, वी ऑल्सो नीड टू, वीमेन नीड टू वर्क हार्ड, दे नीड टू मूव आउट ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। इन सब चीज़ों से वॉट आई बिलीव इज़ कि आप अपनी परंपराओं से जुड़े रहिए, ग्राउंड रियलिटी से जुड़े रहिए, बट एट द सेम टाइम यू शुड टेक द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, इट इज़ नॉट बैड। फाइन, तो जैसे हमने देखा कि मॉडर्नाइजेशन ने हमारे यहाँ बहुत परिवर्तन लाया है, हमारे यूथ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस आधुनिकीकरण का, बट अंत में मैं यही कहूँगी कि हमें अपने कल्चर, हमारी परंपराओं जो सदियों पुरानी हैं उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए, उनके साथ जुड़े रहना चाहिए आज और कल, क्योंकि हमने, हमारी अपब्रिंगिंग जो है वो कहीं ना कहीं उस कल्चर से ही आती है। वेस्टर्नाइजेशन अपनी एक जगह पर सही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैम, जैसे उन्होंने बोला कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीज़ों में है, तो हमें लगता है कि अपनी नेगेटिविटीज़ को, जो प्रॉब्लम्स हमारी बन के सामने आ रही है उनका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, और पॉजिटिविटी तो हमारे अंदर हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, और आपकी बात सुनकर आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।